दोस्तों अब किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स दोस्तों दोनों ही टीमें होंगी आमने सामने और दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है मुकाबला। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, साइड में दोस्तों स्क्रीन पर आप देख लीजिए, चालू कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा किस प्रकार से आपको इस मैच के लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की टीमें क्रिएट करना है, दोस्तों कैसा यहाँ का पिच का बिहेवियर रहेगा और कौन कौन से दोस्तों की प्लेयर्स होंगे जो आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं, दोस्तों कौन कौन से ट्रंप कार्ड प्लेयर इस मैच के लिए होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया जाने वाला वीडियो गाइस आपके पास पहुंच जाए। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले टेलीग्राम में अभी की जो है बांग्लादेश वर्सेस आयरलैंड के मैच की दोस्तों विनिंग है। जिस भाई को विनिंग पर डाउट हो दोस्तों वो इंस्टाग्राम पर जाकर टेलीग्राम पर जाकर चेक कर सकता है। डेली बेसिस पर दोस्तों विनिंग होती है और दोस्तों आज तो जो है बहुत ही सुपर हिट धमाका है। दोस्तों सबसे पहले चेन्नई का मैच है, उसके बाद हम उसकी दोस्तों प्रेडिक्शन ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं। दोस्तों इस मैच में मैं आपको कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के बीच की जो दोस्तों मुकाबला है दोस्तों जो कि 3:30 बजे हमारे समय के अनुसार खेला जाएगा। दोस्तों आज का एक डबल डे का धमाका है, यानी कि दिन में दो मैच आपको खेलने को मिलेंगे। दोस्तों दोनों ही मैच में कवर करने वाला हूँ। जिन जिन भाइयों को दोस्तों लॉस हुआ है वो भाई मेरे टेलीग्राम पर जाकर अपना लॉस दोस्तों कवर कर सकते हैं। दोस्तों लॉस कवर टीम भेजता हूँ वहाँ पे मैं अपने टेलीग्राम पर, टेलीग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको वीडियो के, और दोस्तों साथ ही साथ इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज बेसिकली इस मैच में दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सेकेंड T20 मुकाबला है ये वाला दोस्तों, और हमारे समय के अनुसार 3:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों किसी भी मैच में हमको ग्रैंड लीग की या स्मॉल लीग की टीम बनाने के लिए बेसिकली दोस्तों दो चीज़ें पता होना चाहिए, एक तो टीम का रिसेंटली फॉर्म क्या है और दोस्तों लास्ट के टीम के 5 मैचेस कैसे गए थे और पिच का बिहेवियर कैसा है। दोस्तों तीन चीज़ें अगर आपने समझ ली तो आपको टीम बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी दोस्तों। सो दोस्तों गाइस सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि वेन्यू के बारे में आप देख लीजिए, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम है दोस्तों। बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, 130 का दोस्तों स्कोर यहाँ पे बन सकता है गाइज, और लाइट रेन भी देखने को मिल सकती है, मतलब दोस्तों हल्की सी बारिश होने की संभावना है और गाइज 130 का यहाँ पे एवरेज स्कोर बनता है। बॉलिंग फ्रेंडली पिच है गाइज। देखो आपको थोड़ा सा और मैं यहाँ पे डीपली स्टेडियम के बारे में बता दूँ कि कितना बड़ा स्टेडियम होने वाला है। सो गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए, बॉल फर्स्ट का जो है 80% विनिंग चांसेस है, मतलब दोस्तों फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे विकेट गिर जाते हैं। लेकिन गाइज आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, देखो पंजाब किंग्स इलेवन पंजाब और जो है कोलकाता नाइट राइडर्स, गाइज यहाँ पे आपको एक चीज़ ये देखना है कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज कितने हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, भानुका राजापक्षे पंजाब किंग्स इलेवन पंजाब में, शिखर धवन और दोस्तों यहाँ से फिर ए भावा, सैम करन, सिकंदर रेजा दोस्तों राइट हैंडर हैं, उसके बाद हर्षदीप सिंह, उसके बाद गाइज यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के पास कम है, 1 2 3 4 दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब के पास 4 लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, 5 ठीक है। सो गाइज यहाँ पे जो है कोलकाता के आपको राइट आर्म और ब्रेक गेंदबाज लेने पड़ेंगे, जैसे कि सुनील नारायण ठीक है, और दोस्तों साकिब अल हसन अगर खेलते हैं साकिब अल हसन को पिक करना। उसके बाद गाइज यहाँ से आप जो है और बता देता हूँ आपको, और दोस्तों यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती को भी आप पिक कर लेना दोस्तों ठीक है। बट गाइज यहाँ पे सुनील नारायण बहुत इंपॉर्टेंट रोल में नजर आ सकते हैं मेरे को दोस्तों, राइट आर्म और ब्रेक गेंदबाज है दोस्तों, लेफ्ट हैंडेड के सामने दोस्तों ये 80% चांस रहेंगे कि ये विकेट निकाल के आपको देंगे ठीक है। उसके बाद गाइज कोलकाता का सेम टू सेम देख लीजिए, लेफ्ट हैंड बैट्समैन नितेश राणा, रिंकू सिंह, अनुकोल रॉय, साकिब अल हसन, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर। सो गाइज यहाँ पे ऑफ ब्रेक गेंदबाज के बहुत मजे रहने वाले हैं इस फील्ड पर। सो गाइज यहाँ से आप ले लेना दोस्तों, यहाँ पे पंजाब की टीम में मुझे ऑफ ब्रेक गेंदबाज कम दिख रहे हैं, सिकंदर रेजा अकेला है यहाँ पे ऑफ ब्रेक गेंदबाज, मैथ्यू शॉट, सिकंदर रेजा दो हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, कोलकाता की टीम का मुझे पड़ला भारी लग रहा है ठीक है। अब गाइज वेन्यू के बारे में मैंने बात कर ली है आपसे, वेन्यू दोस्तों बड़ा है और यहाँ पे विकेट दोनों तरफ से देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा टीम का कंपैरिजन क्या रहने वाला है। दोस्तों टीम के कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम लास्ट 5 मैच खेल के 3 मैच जीती है, और दोस्तों पंजाब किंग्स इलेवन पंजाब की टीम भी 5 मैच में से 3 मैच जीती है ठीक है। सो गाइस सिंपल सा है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लियर साइड में स्क्रीन भी देख लीजिए आप, जो भी चीज़ें सारी लाइव दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि दोनों टीमों का कंपैरिजन मैंने बता दिया है आपको, दोनों ही टीमें दोस्तों आधे आधे मैच जीती, यानी कि 3 मैच जीती है पंजाब और 3 मैच जीती है कोलकाता।
दोनों ही टीमों का दोस्तों यहाँ पे बराबरी का टीम दोस्तों एक दिख रही है। और गाइस एक बहुत ही शानदार यहाँ पे टक्कर का मुकाबला, कांटे का मुकाबला हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब गाइस सिंपल एज दैट आप यहाँ पे देख लीजिए। और भी मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें कि दोस्तों जो मेन इनके प्लेयर रहेंगे दोस्तों, की प्लेयर जिनको हम बोलते हैं, वो मैथ्यू शॉर्ट, साकिब अल हसन और पी सिंह यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, प्रभुसिमरन सिंह हो सकता है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे ये हो गई चीज़ें सारी दोस्तों। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने ड्रीम इलेवन। गाइस ड्रीम इलेवन पर जाने से पहले मैं आपको बताऊँ दोस्तों, हम लोग जो है दो तरीके की सर्विस गाइस प्रोवाइड कराते हैं। एक होती है दोस्तों फ्री सर्विस, जिन जिन भाइयों का लॉस कवर हुआ है वो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर दोस्तों फ्री में मैं आपको टीमें दूंगा और आपका लॉस कवर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम वहाँ नहीं मिलेगी। ग्रैंड लीग की टीम के लिए दोस्तों मैंने एक पैकेज लॉन्च किया है, प्राइम पैकेज। जी हाँ दोस्तों, एक प्राइम पैकेज है, तो बस प्राइम पैकेज का नाम सुन के आपको डरना नहीं है। एक छोटा सा एक दोस्तों लिटिल बिट अमाउंट मैंने रखा है, मात्र 299 रुपये, जिसमें दोस्तों आप लोग जो है डेली बेसिस पर बहुत अच्छा प्राइस जीत सकते हो। 299 रुपये में एक महीने भर में आपको ग्रैंड लीग की 5 टीम है और स्मॉल लीग के लिए दोस्तों एक टीम दूंगा। तो दोस्तों अगर आप प्राइम पैकेज लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन से आप मोबाइल नंबर लेके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। दोस्तों स्क्रीन पर भी मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, सो आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए, दोनों ही पैकेज दोस्तों बहुत शानदार है। अगर दोस्तों आपको अपनी टीम बनाना आता है तो दोस्तों वेल अच्छी बात है, अगर दोस्तों आपको अपनी टीम बनाना नहीं आता है तो आपको किसी भी लुटेरे से दोस्तों लुटना नहीं है। प्राइम के नाम पर दोस्तों बहुत सारी ठेंगियाँ होती हैं, 2000, 5000, 10000 रुपये किसी को देने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों आपका भाई यहाँ पे बैठा है, मात्र 299 रुपये मैं आपको दूंगा पूरे महीने भर, 5 ग्रैंड लीग की और 1 स्मॉल लीग की टीम। सो गाइस अगर आपको फ्री में खेलना है फ्री में खेल लीजिए, और पैड पैकेज लेके खेलना है तो पैड पैकेज लेके खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। दोनों ही चीज़ें बहुत सुपर हिट आपके लिए रहने वाली हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूँ कि अगर आपको स्मॉल लीग की टीम बनाना है तो दोस्तों आपको एज आ सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से जाना पड़ेगा, यानी कि रहमत अल्लाह गुरबाज, शिखर धवन, नीतीश राणा, उसके बाद गाइस आंद्रे रसल, लिविंगस्टोन, सैम करन, सुनील नारायण, डेविड बीजी और साकिब अल हसन को यहाँ से मैं पिक कर लूँगा। उसके बाद गाइस यहाँ से मैं कसी को रवादा और टीम हरदीप सिंह को यहाँ से पिक कर लूँगा। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रकार से हमारी टीम बन जाएगी, 4-4 बॉलर हो जाएंगे और 3-3 बैट्समैन हो जाएंगे। ठीक है, तो सुपर हिट टीम कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है, आप देख सकते हैं साइड में। तो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर नीतीश राणा, लिविंगस्टन दोस्तों, सुनील नारायण और डेविड बीजी, सैम करन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अब गाइस ग्रैंड लीग की टीम पर दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम बनाने के लिए बेसिकली हम आपको जो स्ट्रेटजी बताते हैं दोस्तों, वैसे तो दोस्तों 6 टीमें बता देता हूँ बनाना, मैं आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारे वीडियो आपको मेरे मिल जाएंगे इंटरनेट पर। सो यूट्यूब पर दोस्तों बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, 6 टीम कैसे बनाएं, 20 टीम कैसे बनाएं, मेरे चैनल पर आप लोग देख लीजिए। बस बेसिकली दोस्तों जो हमारी स्ट्रेटजी रहती है वो स्ट्रेटजी आप समझ लीजिए। अगर स्ट्रेटजी आप समझ गए तो दोस्तों फिर आप 20 के 50 कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। दोस्तों आपको 4 प्लेयर लेना है रिस्की, रिस्की यानी कि जिनका सिलेक्शन परसेंटेज दोस्तों 20% से कम हो, ऐसे हमको 4 प्लेयर रखना है टीम में। और दोस्तों 4 प्लेयर हमको रखना है एवरेज, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज दोस्तों 20% से ज़्यादा हो और 70% से कम हो। गाइज उसके बाद हमको 3 प्लेयर रखना है गाइज ऐसे जिनका सिलेक्शन बिल्कुल हाई हो, मतलब टोटल प्लेयर्स में से हमको हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाले बंदे चुनना है। सो गाइज इस प्रकार से दोस्तों आपकी टीम बन जाएगी ग्रैंड लीग की। अब दोस्तों इसी प्रकार से आपको प्लेयर चेंज कर करके 10 से 20 टीमें बना लेनी है ग्रैंड, जितनी टीम से आप खेलना चाहते हैं उतनी टीम आप बना लीजिएगा। एक आध दो प्लेयर रिवाइज कर दिए, कैप्टन वाइस कैप्टन रिवाइज कर दिया दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग ग्रैंड लीग जीत सकते हो। और दोस्तों अगेन बोल रहा हूँ, आप लोगों को लौटने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको दोस्तों पैड पैकेज लेना है पैड पैकेज ले लीजिए, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ दोस्तों, फ्री में खेलना फ्री में खेलिए, लेकिन दोस्तों लौटने की आवश्यकता नहीं है, किसी से आपको लौटना नहीं है। आपका ही सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि ग्रैंड लीग के लिए दोस्तों आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की प्रॉब्लम होगी। दोस्तों जो भी आपकी यूनिक प्लेयर रहेगी, मतलब जिनको आप रिस्की पिक में 4 बंदे लोगे दोस्तों, उनको आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करें कम से कम 4-5 मैच में। उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर्स और बॉलर्स को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। सो दोस्तों ये होगी हमारी ग्रैंड लीग की स्ट्रेटजी दोस्तों। अब हम अभी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगली वीडियो दोस्तों बहुत जल्दी आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो जो कि दोस्तों गुजरात टाइटंस सॉरी दिल्ली डेयरडेविल्स और एक और जो दोस्तों मुकाबला होगा दिल्ली डेयरडेविल्स का, और मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ में गाइस दिल्ली डेयरडेविल्स का और लखनऊ का दोस्तों यहाँ पे मुकाबला होगा। तो दोस्तों उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली गाइस, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ गाइस, लव यू।